के बाद सिटी हलचल में आपका स्वागत है। मतदान के दिन तक मुंबई का आतंकी हमला चलता रहा, जिसका असर मतदान करने आए नेताओं की प्रतिक्रिया में साफ नजर आया। शीला दीक्षित को आतंक कोई चुनावी मुद्दा नजर नहीं आया। वहीं सीएम इन वेटिंग वीके मल्होत्रा का मानना है कि मुंबई की घटना से हवा का रुख जरूर उनकी तरफ मुड़ेगा। निर्माण भवन का मतदान केंद्र आम मतदान केंद्र नहीं है। यहाँ मतदान करने के लिए मतदाताओं में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी शामिल हैं। शीला दीक्षित भी आज अपने पूरे लाल लश्कर के साथ पहुंची मतदान करने, और मन में था मंसूबा जीत की हैट्रिक पूरी करने का। बीजेपी द्वारा आतंकवाद को चुनावों का मुद्दा बनाए जाने पर सख्त ऐतराज करते हुए शीला दीक्षित ने कहा कि आतंकवाद एक देशव्यापी मुद्दा है, इसे चुनावी मुद्दा नहीं कहा जा सकता। क्या आतंकवाद को एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए? ये देश के ऊपर प्रहार है। इसमें सबको मिलकर और सारे देश की जनता जब चाह रही है कि एकजुट हो जाना चाहिए और इसका सामना करना चाहिए, तो ये और ये दूसरी बात ये है कि ये दिल्ली की कैसी सरकार होगी, स्टेट गवर्नमेंट कैसी होगी, उसका वोट डल रहा है। मल्होत्रा जी यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी विजय जाली के साथ पहुंचे, और उनके मुताबिक दिल्ली की जनता भी मुंबई में सरकार की विफलता का नजारा साफ देख चुकी है और बदलाव के लिए वोट करेगी। ये सरकार पूरी तरह से असफल हुई है, इंटेलिजेंस एजेंसियां असफल हुई हैं। इतने लोग मारे गए हैं, चार दिन से वो लोग वहाँ पर काम कर रहे थे, इतने दिनों से होटल में उन्होंने अपना अड्डा बना रखा था, कहीं मदर शिप होगा, यहाँ से वो आ रहे थे, असला ला रहे थे। गवर्नमेंट पूरी तरह से असफल हुई है और उनकी इस नाकामी का बेइंतहा गुस्सा लोगों के मन में है, और वो गुस्सा आज चुनाव के समय मतदान में प्रकट करेंगे। दो दल दो विचारधाराएं, मुद्दा एक चुनाव जीतना, एक को आतंकवाद नहीं विकास मुद्दा लगता है तो दूसरे को विकास से ज्यादा आतंकवाद को सरकार की लिजलिजी प्रतिक्रिया मुद्दा लगती है। जनता को असल में मुद्दा क्या समझ में आया है और उसने किसके पक्ष में मतदान किया है, इसका पता तो 8 दिसंबर को ईवीएम मशीनों में वोटों की गिनती के बाद पता चलेगा। शेषव कुमार, सिटी हलचल, दिल्ली।